वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या ब्रॉक लेसनर एक मैनेजर के साथ में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बात करने वाले यहाँ पर जो कि मार्क हेनरी बहुत ही जल्द क्या WWE के अंदर आते हुए दिखाई देंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। एरिक रोवेन परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट होते हुए दिखाई दिए, और कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी अपडेट्स है, और भी बहुत कुछ मैंने इंट्रो में बताया नहीं है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तुम लोग प्लीज़ भाई हो यार, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ठीक है। ओके, सो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये हमें देखने को मिल रहा है जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट से रिलेटेड, जो कि अंकल हाउडी को लेकर है। अब अंकल हाउडी का रिटर्न तो भाई बहुत सारे रूमर्ड है कि हमें देखने को मिल सकता है, और वो रिटर्न बेसिकली हमें देखने को मिलेगा जो कि सऊदी अरेबिया का इवेंट, जिसमें हमें यहाँ पर मे बी कुछ सरप्राइज देखने को मिले। मतलब बेसिकली यहाँ पर थोड़े बहुत रूमर्ड है, अच्छे खासे रूमर्ड है कि भाई सऊदी अरेबिया का जो इवेंट होगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का PLE, उसमें हमें यहाँ पर हो सकता है अंकल हाउडी देखने को मिले। बट वो तो बात की बात है, बात यहाँ पर बात करेंगे जो कि अंकल हाउडी के टी शर्ट को लेकर। बेसिकली अंकल हाउडी के कुछ टी शर्ट्स भी लॉन्च हुए हैं, आप लोग देख सकते हो फोटोज़, और काफ़ी ठीक ठाक टी शर्ट है, मतलब उतना काफ़ी बढ़िया भी है और ठीक ठाक भी है। और मुझे लगता है कि जैसे अंकल हाउडी रिंग में सामने आ जाएंगे, सबके सामने जब कैमरा में दिखने लगेंगे, तो क्लियरली यहाँ पर ये मर्चेंडाइज सोल्ड आउट होता स्टार्ट होना दिख जाएगी भाई, मतलब तुम समझ लो फटाफट बिकनी स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है एरिक रोवेन से रिलेटेड। तो भाई एरिक रोवेन स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं परफॉर्मेंस सेंटर में, वो भी अगेन, ये बहुत बड़ी बात है, तुम समझ रहे हो। पहली बात तो हमें परफॉर्मेंस सेंटर में पिछले हफ्ते भी देखने को मिले थे, इस हफ्ते भी हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस सेंटर में एक बार फिर से स्पॉट होते हुए दिखाई दिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर परफॉर्मेंस सेंटर में एरिक रोवेन बार बार जाकर अपने आप को काफ़ी बेटर पॉलिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, और अपने आप को एक बेटर परफॉर्मर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आई होप सो, मतलब एरिक रोवेन जब रिटर्न करें अपना WWE के रिंग के अंदर, बहुत ही बेस्ट और बेटर वर्जन हमें यहाँ पर एरिक रोवेन का देखने को मिले। बॉय, मतलब मैं तुमको बताऊँ, वो सुपरस्टार डिजर्व करता है काफ़ी कुछ। एरिक रोवेन बेस्ट बंदा है यार, मतलब वो तुम देखोगे ना, उसके कभी कुछ इंटरव्यूज देखे रहोगे तो वो काफ़ी काम और अच्छा खासा बंदा है भाई, तो उसके लिए तो भाई सपोर्ट तो बनता है, और आई होप सो कि उसको आगे चल के काफ़ी अच्छा खासा अचीवमेंट मिले। और ब्रे वाइट के फ्रेंड रह चुके हैं, भाई रह चुके हैं, तो भाई रेस्पेक्ट तो है भाई उस बंदे के लिए। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि अलेक्सा ब्लिस से रिलेटेड। तो अलेक्सा ब्लिस अपना आखिरी मैच कब रसल करते हुए दिखाई दी थी, कब लड़ते हुए दिखाई दी थी, इसको कितने दिन हो चुके हैं, तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि भाई रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 478 यानी कि 478 डेज हो चुके हैं अलेक्सा ब्लिस इतने दिनों से अपना एक भी मैच रसल नहीं की है। बहुत बुरी बात है भाई अलेक्सा के लिए। आई होप सो कि WWE कुछ प्लान्स बनाए, अलेक्सा का रिटर्न करवाए, और अलेक्सा ब्लिस को मैं रिंग के अंदर देखना चाहता हूँ रेसल करते हुए। प्लीज़ अलेक्सा फैंस की भी सुन लो और आ जाओ रिंग के अंदर यार, मतलब आई होप सो कि अलेक्सा ब्लिस हमें बहुत ही जल्द देखने को मिले WWE के अंदर, WWE के मतलब रिंग के अंदर। फैंस बहुत लोग है भाई चाहते होंगे, कॉमेंट सेक्शन में भी लोग चाहते हैं अलेक्सा ब्लिस प्लीज़ वापस आ जाए। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है सऊदी अरेबिया के डील को लेकर। अब जैसा कि आप लोग को पता ही है, सऊदी अरेबिया का डील कुछ एक दो साल में ख़त्म होते हुए दिखाई देगा, तो अभी सऊदी अरेबिया का जो डील है उसको लेकर WWE यहाँ पर और सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है कि इस डील को वो एक्सटेंड करना चाहते हैं और आगे के 10 साल और बढ़ा सकते हैं। और एक्सपेक्टेड है कि मे बी हमें ये जो डील है 2027-28 तक ख़त्म होगा, तो मे बी फिर आगे चल के 10 साल और एक्सटेंड कर देंगे तो ये 2038 तक बन जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो आने वाले कुछ मतलब हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे 6 से 8 महीने जो होने वाले हैं, इन्हीं के बीच में इस डील को जो कि WWE यहाँ पर डन करने वाली है, लॉक करने वाली है। इवन फिलहाल के टाइम पर डिस्कशन काफ़ी बड़ी होने वाली है, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का PLE सऊदी में होगा, तो इसको लेकर मीटिंग भी होगी वहाँ पर। एंड देन इसके बाद जो अगला जो शो देखने को मिलेगा क्राउन ज्वेल जो भी हो, वहाँ पर डील को डन किया जाएगा। यानी कि अभी यहाँ पर डिस्कशन होगा कि क्या डील होनी चाहिए ये वाले पेपर व्यू के दौरान, और फिर अगली बार जब क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के लिए WWE वहाँ पर जाएगी सऊदी में, तो वहाँ पर वो डील को एकदम डन करते हुए दिखाई देंगे, कन्फर्म करते हुए दिखाई देंगे। और
और अगर बातचीत काफ़ी अच्छी खासी इसी वाले पेपर व्यू में हो जाती है, मीटिंग में काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वो लोग इसी एक ही हफ्ते के अंदर मतलब अपना जो एक्सटेंडेड है कॉन्ट्रैक्ट को वो कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी वो एक्चुअली होता कैसे क्या है वो तो बात की बात है। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है भाई साहब मार्क हेनरी को लेकर। मार्क हेनरी को आप सभी लोग जानते रहोगे कौन है। मार्क हेनरी WWE के फॉर्मर WWE सुपरस्टार है और करेंटली हमें देखने को मिलते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर। तो अभी रिपोर्ट्स ये देखने को मिली है कि भाई मार्क हेनरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ख़त्म होते हुए दिखाई देने वाला है, या ऑल एलीट रेसलिंग के साथ में मार्क हेनरी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, जो कि बहुत सही बात है। और क्या मार्क हेनरी को WWE के अंदर वापस अब आ जाना चाहिए? भाई देखो यार, मैं तो चाहूँगा कि मार्क हेनरी वापस आए और डील यहाँ पर मार्क हेनरी की ख़त्म हो रही है, तो आई होप सो कि यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट भी मार्क हेनरी साइन करते हुए दिखाई दे और जिससे मार्क हेनरी का WWE के अंदर रिटर्न देखने को मिले। आई होप सो ऐसा हो भाई, मतलब ये तो होना ही चाहिए भाई, बेसिकली मैं तो चाहता हूँ ऐसा कुछ हो। लेट्स सी वैसा एक्चुअली में होता भी है या फिर नहीं होता है। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू देखने को मिला बस्टेड ओपन रेडियो पॉडकास्ट, जहां पर कोडी रोड्स एडमिट करते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस को लेकर कि भाई जो फैंस है रोमन रेंस के वो कहते हैं कि भाई वो काफ़ी बड़ा ड्रॉ है, रोमन रेंस कोडी रोड्स के काफ़ी ज़्यादा उससे बड़ा ड्रॉ है। तो इसको लेकर यहाँ पर डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं जो कि कोडी रोड्स, जहाँ पर कोडी रोड्स इस चीज़ को हाँ कहते हुए दिखाई देते हैं, एडमिट करते हुए दिखाई देते हैं कि यस कोडी रोड्स से ज़्यादा ओवर रोमन रेंस हैं और रोमन रेंस की वो रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल रही है भाई कोडी रोड्स के लिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात, और इस बंदे ने एक्नॉलेज किया इस चीज़ को तो बढ़िया लगा देख के। बाकी वैसे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि कोडी रोड से रिलेटेड है। तो कोडी रोड्स को लेकर अपडेट ये भी देखने को मिल रही है कि भाई कोडी रोड्स जो है ना वो इसी इंटरव्यू के अंदर कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनको चाहिए एक मैनेजर, और मैनेजर तो मैनेजर कहते ही हैं, बट वो कहते हैं कि उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि क्लासिक रेसलिंग मैनेजर हो। क्लासिक रेसलिंग मैनेजर, क्या तुम रोमन रेंस के पॉल हेमन को लेकर इशारा कर रहे हो? क्योंकि क्लासिक मैनेजर की बात आई तो भाई जो कि पॉल बियरर, पॉल हेमन, ऐसे ऐसे कुछ बड़े बड़े मैनेजर्स हैं जो कि भाई प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजर है, तो इशारा तो मे भी यहाँ पर उनका उन्हीं की तरफ हो सकता है। बट लेट्स सी भाई, वो कोई और भी हो सकता है, आर्न एंडरसन भी हो सकते हैं और अदर रेसलर्स भी हो सकते हैं। बाकी लेट्स सी वो हमें कोई मैनेजर के साथ में एक्चुअली में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे भी या फिर नहीं, वो तो बात की बात है। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने फाइनल अपडेट की तरफ, और ये अपडेट है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो भाई ब्रॉक लेसनर क्या रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे एक नए मैनेजर के साथ में? तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखने को मिलता है, जिस पॉडकास्ट के अंदर हमें यहाँ पर एक जो कि रेसलिंग का एक पुराना इंटरव्यूअर है, जहाँ तक मुझे पता है, इसके बारे में मैंने नॉलेज लिया तो पता चला थोड़ा बहुत कि इसका बंदे का नाम है जो कि इग्लेसिस, भाई मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मजाक मत उड़ाना, इग्लेसिस ऐसा कुछ करके नाम है। तो इनका भाई कहना है कि देखो यार, ब्रॉक लेसनर को अब रिटर्न अगर करेंगे तो उनको एक नए मैनेजर के साथ में आना चाहिए। इनका ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर कि उनको एक नए मैनेजर के साथ में आना चाहिए, चाहे वो पॉल हेमन के साथ हो, चाहे फिर वो किसी और के साथ में हो। अगर वो नहीं होगा तो ठीक है भाई, मैं मैनेज करने के लिए ब्रॉक लेसनर को तैयार हूँ, शकल दिखा दूंगा उस बंदे का, देख लेना, ये बंदा ठीक है, तैयार है ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को मैनेज करने के लिए। ठीक है भाई, बंदे ऐसे लोग भी मैनेज करेंगे ब्रॉक लेसनर को तो फिर क्या ही होगा भाई, ब्रॉक लेसनर बीस्ट है, कभी इसी को पीट देगा तो क्या हो सकता है। बाकी ठीक है यार, आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, रेल या सौ फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।